ये मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये ईशान का कंट्रीब्यूशन है। ईशान दोबारा देगा? दे दिए उसने। हाँ। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। बड़ी माम, रजनी दीदी के लिए मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? अरे वाह, नहीं, तुम देवरानी जेठानी बैठकर चाय पीना, मैंने तो भाई अपनी देवरानी के साथ चाय पी भी ली। मैं पैसे रख के आती हूँ। अरे बैंक गई थी मैं पासबुक अपडेट कराने और मेरे अकाउंट में सिर्फ 8,000 रुपए है, 18,000 थे और पिछले एक हफ्ते में मैंने एक पैसा भी नहीं निकाला है। रानी वो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे अकाउंट से पैसे गायब कैसे हो गए। इंदर, ये बैंक वाले चोर है, हम अपनी मेहनत की कमाई उनके बैंक में जमा कराते हैं और वो लोग हमारे पैसे हड़प लेते हैं। हाँ इंदर। नहीं नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बैंक वालों ने पैसे नहीं हड़पे हैं, पैसे मैंने निकाले हैं 10,000 रुपए एटीएम से। तुमने? हाँ। क्यों? दीपक की सगाई के लिए पैसे तो तुमने अपने अकाउंट से दे दिए थे ना? हाँ पर तो? पैसों की ईशान को जरूरत थी, वो उसे अपना कंट्रीब्यूशन देना था ना और सैलरी मिली नहीं थी तो इसलिए मैंने उसे दी है। अरे तो बताओ ना, मैं तो डरी गई थी। अब सुकून मिला? कितना चिल्लाई तू? तो डर गई थी ना। उसने सुहाना से पैसे क्यों नहीं मांगे, उसके पास तो होते। हाँ। तुम्हारा भाई भी ना अभी तक अपनी बीवी से शर्माता है। अरे माँ, आप अकेले? आपके शाहजहां कहाँ हैं? मुझे क्या पता कहाँ है, सुबह से गए हुए हैं पेंशन लेने। मैं तो कहती हूँ ये बुढ़ाओ ना जरूर कहीं बैठ के ठूस रही होंगे। हाँ ये तो है माँ, मुझे पूरा यकीन है, बाबूजी बाहर पेंशन के बहाने से जाते ही इसलिए ताकि कुछ ठूस सके। उससे क्या बात कर रही हो, मुझे बताओ, गए थे ना समोसे जलेबी ठूसने? बोलो बोलो बोलो। ओ यार, बिल्ली को तो ख्वाब में छींचड़ी नजर आते हैं। अरे पर तुम गए कहाँ थे, पेंशन लेने में क्या सारा दिन लग जाता है? ओहो, मैं कहीं और गया था पेंशन लेने के बाद। कहाँ? तुझे क्यों बताऊँ, माँ के चमचे। चल बाहर निकल इसका। अरे बाहर निकल इसका। कमाल है, बच्चा ही क्या आलोक जूस से ऐसे बात कर रही हो, मुझे बताओ कहाँ गए थे। ओहो भाई, मैं दीपक और संजना के लिए तोहफा लेने गया था, मंगनी है ना उनकी। लेकिन आप क्यों खर्चा करके आ गए, हम लोग तो सारे तोहफे खरीद चुके हैं ना। हाँ भाई, तोहफे तो सब आ गए, तुमने क्यों लुटा दिए पैसे? मैं भाई अपनी ओर से भी कुछ देना चाहता था। अरे लेकिन बाबूजी, आपकी ओर से देने वाला तोहफा तो भाभी खरीद चुकी है। अरे नहीं यार, वो नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अपनी कमाई के पैसों से कुछ खरीदना चाहता था। कमाई? कमाई कौन सी कमाई है? नहीं मतलब वो जो सरकार ने बरसों पहले तुम्हें नौकरी देके गलती की थी उसकी भरपाई तो वो आज तक कर रही है बेचारी तुम्हें पेंशन दे दे के। क्या क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मैं समझता हूँ, मुझे समझना है मतलब क्या है। इतना झगड़ा झगड़ा मत कीजिए, आप ये बताइए कि आप लाए क्या है। हाँ अरे मैं ये क्या तेरी क्या हुआ, थैली तो रिक्शे में ही रह गई। क्या? और रिक्शा? अरे 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 अरे, ओए देखो नुक्कड़ में है क्या? लो कर लो बात है, पैसे भी लुटाए और हाथ पल्ले भी कुछ नहीं पड़ा, इससे तो अच्छा था मरे समोसे और जलेबियां ठूसाते बुढ़ाऊ। हाँ हाँ संजना, अरे बाबा मैं आ रहा हूँ। संजना कब तक, क्या मतलब, मैं एरोप्लेन में बैठ के थोड़ा आऊंगा। अच्छा फोन रखो, मुझे घर से निकलना है। नहीं संजना, मैं चलते चलते बात नहीं कर सकता। ओके, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हैप्पी बाय। भाभी आप लोग
कहाँ जा रहे हो? वो मैं बोलो बोलो कॉलेज। ओ कॉलेज, प्रिंसिपल का फोन था जी। वैसे किसे कह रहे थे वो, क्या था दी? हाँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हैप्पी बाय। अच्छा मैं चलता हूँ। देवर जी आप तो बड़ा शर्मा रहे हैं। इतना तो आई लव यू बोलते हुए भी नहीं शर्माए थे, क्यों भाई? अभी मैं क्या करता, उसने जबरदस्ती बुलवाया। ओह अच्छा कोई बात नहीं, वैसे जा कहाँ रहे हो, उससे मिलने? वो एंगेजमेंट की रिंग नहीं ली थी ना, तो वही लेने। होने वाली मंगेतर के साथ? हाँ दिशा, बहुत मॉडर्न जमाना आ गया है। उंगली का नाप लेना ना भाभी। अच्छा 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 मैं चलता हूँ। एक मिनट, कहीं नहीं जाना है तुम्हें, चलो चुपचाप यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पर जी। हाँ जी, एंगेजमेंट के एक दिन पहले लड़के को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा? हाँ, और अपनी संजना से भी कह दो उसे भी घर से बाहर नहीं निकलना है। पर भाभी रिंग, मेरा मतलब है कि रिंग नहीं खरीदी तो एंगेजमेंट कैसे होगी? कहा ना कहीं नहीं जाना। कल एंगेजमेंट है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तुम भी मत निकलना। अरे बाहर में गई रिंग। देवर जी हम आपकी खिंचाई कर रहे थे। ओहो कल मंगनी है और तुमने अभी रिंग भी नहीं खरीदी, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। मतलब जा सकता हूँ? जाओ जाओ, चलो चलो चलो। पैसे मैंने निकाले 10,000 रुपए एटीएम से। तुमने? हाँ। क्यों? पैसों की ईशान को जरूरत थी, वो उसे अपना कंट्रीब्यूशन देना था ना, और सैलरी मिली नहीं थी तो इसलिए मैंने उसे दी है। उसे सुहाना से पैसे क्यों नहीं मांगे, उसके पास तो होते। सुहाना देखो आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा जल्दी आ जाऊंगा ना तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चलूंगा। शॉपिंग क्यों? अरे दीपक की एंगेजमेंट है, तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी है क्या? सोना एक काम करो अभी चलते हैं, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदते हैं। थैंक्स, मैं अपने लिए खुद ड्रेस खरीद लूंगी। तुम क्यों लोगी? मैं खरीदूंगा तुम्हारे लिए। अरे हस्बैंड हूं तुम्हारा, और ऐसे मौके पर तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को शॉपिंग करानी चाहिए। और जब हस्बैंड को किसी चीज की जरूरत हो तब वाइफ को क्या करना चाहिए? मतलब कल तक तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन के पैसे नहीं थे, आज तुम्हारे पास सडनली पैसे कहां से आ गए? यू डोंट वरी, मैंने अरेंज कर लिए। इंदर भैया से तुमने कंट्रीब्यूशन के लिए पैसे लिए, मेरा आउटफिट खरीदने के लिए किससे पैसे लोगे? चुप क्यों हो गए, बोलो। डॉक्टर ईशान। हाँ तो लिए मैंने इंदर भैया से पैसे, क्या गलत किया? भाई है मेरे वो। और मैं तुम्हारी कुछ नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने इंदर भैया से पैसे क्यों लिए, मुझे ये प्रॉब्लम है कि तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए। Am I a stranger to you? ऐसा नहीं है। तो क्या है ईशान, टेल मी। अगर मैं तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए पैसे देती थी तो क्या फर्क पड़ जाता? यू टॉट मी द वैल्यू, द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। एज अ वाइफ मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकती। यू कुड टेक मनी फ्रॉम इंदर भैया, यू कुड नॉट टेक मनी फ्रॉम मी। क्या मेरे पैसे तुम्हारे अपने नहीं है? नहीं है, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे नहीं है। क्यों नहीं हो सर? वाई? आज तक मैं तुमसे पैसे ले रही थी ना, देन व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस है। एंड प्लीज प्लीज लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। तुम समझोगी नहीं ये सब। अरे क्या नहीं समझोगी मैं ईशान, इनफैक्ट मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ गई हूँ। इट्स नथिंग बट योर मेल ईगो।
अपनी बकवास बंद करो तुम, समझी? ईशान मैं बकवास नहीं कर रही, बकवास तुम कर रहे हो, समझे तुम? तुम्हारी मेल ईगो ने तुम्हें अलाउ नहीं किया अपनी बीवी से पैसे लेने के लिए, तुम्हें शर्म आ रही थी। मैं आज तक सोचती थी कि तुम एक ब्रॉड माइंडेड मॉडर्न थिंकिंग के लड़के हो, बट नो, तुम भी दूसरे मर्दों की तरह हो। कैन यू स्टॉप इट नाउ? एंड तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, समझी? मैं अपनी लिमिट्स को अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हूं। मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप ही समझाइए अब इसे। नहीं ईशान, समझाना सुहाना को नहीं, समझाना तुझे है। सुहाना बिल्कुल सही कह रही है। तू मुझे एक बात बता, जब तू सुहाना का सपोर्ट लेना नहीं चाहता तो तुझे क्या हक बनता है उसे सपोर्ट देने का, उसकी सारी जरूरतें पूरी करने का? यार तू कौन सी दुनिया में जी रहा है? इतनी सीधी सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही? जो पत्नी होती है ना, वो बंदे का साया होती है, उसके अच्छे बुरे वक्त में उसकी साथी होती है, और ये हमारे संस्कारों में है। देख, जब कभी परेशानी आती है ना, तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने की बजाय पति अपनी पत्नी की जमा पूंजी इस्तेमाल करता है, और अगर बड़ी परेशानी हो तो उसके जेवर बेच के परेशानी दूर करता है। और तू है कि सुहाना के पैसे लेने से शर्मा रहा है? देख, माना कि इंदर कोई पराया नहीं है, लेकिन सुहाना, अरे ये तो तेरी कहीं ज्यादा अपनी है, तेरी पत्नी है बेवकूफ। नहीं ईशान, ये तेरी सोच गलत है बेटा, बल्कि दकियानुसी है। एक झटके में तुमने मुझे स्ट्रेंजर बना दिया ईशान। I'm very happy कि तुम्हें सब बहुत सपोर्ट करते हैं, बट don't I deserve to be your support? I'm sorry, Sohan. Don't talk to me. Please don't cry. देखो. Don't talk to me. देखो, I'm. अपनी गलती का एहसास हो चुका है मुझे। मुझे कुछ नहीं सर। I'm really sorry. Please don't cry. सुहाना, माफ कर दे इसे। देखिए, अच्छा पति बनने के चक्कर में काम बुरा कर गया, लेकिन बंदा तो अच्छा ही है और तुझे बहुत चाहता है। पुनीता, I'm so sorry, मुझसे बहुत बड़ी डेट की मिस्टेक हो गई। अब सुहाना लखनऊ नहीं जा सकती। अरे अरे, आज हमारे भाई की एंगेजमेंट है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, चैनल ने मैडम के जाने के लिए टिकट बुक कर रखी है, मीडिया से सारी सेटिंग हुई पड़ी है, और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है यार? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में सुहाना की रियल सिस्टर की एंगेजमेंट है हमारे भाई के साथ। अरे कैसे आ सकती है वो? अरे फाड़ में गई तुम्हारी एंगेजमेंट, कभी देवर की एंगेजमेंट, कभी सिस्टर की एंगेजमेंट, खेल बना रखा तुम लोगों ने। इलेश भैया, इलेश भैया, हम लोग शेरवानी लेने गए थे, ले आए? ईशान कहाँ है? यार कुछ भी कर लो, किसी भी तरह से कुछ भी करके ना कुछ मैनेज कर लो ना। मैनेज मैं नहीं, मैनेज तुम करोगे। पार्टी वाले दिन ही मैंने तुम्हें बोल दिया था, और तुमने डेट भी दी थी ना, और अब नाटक कर रहे हो। देखो, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते। हाँ मुझे पता है किससे बात कर रहा हूँ मैं, सुहाना मैडम का सेक्रेटरी हो ना तुम। कौन है, किससे बात कर रहे हैं आप? ये पुनीत है। एक्चुअली आज ना तुम्हें लखनऊ जाना था, मैंने मना कर दिया तो बहुत भड़क गया है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है फोन पे। हेलो पुनीत, हाउ डेयर यू टॉक टू इलेश भैया लाइक दैट? तुम जानते हो ना वो मेरे क्या है, वो भैया है मेरे। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने इलेश भैया के साथ मिसबिहेव किया ना, तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगी।
हो? मैडम मेरी बात तो सुनिए। नो एक्सक्यूजेस, मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझे तुम? सॉरी बोलो अलेश भैया को। आई सेड से सॉरी टू अलेश भैया। बोलो अभी। अलेश जी सॉरी। आप ठीक है लेकिन बस यार किसी भी तरह से मैनेज कर लो प्लीज। अलेश भैया डोंट से प्लीज, दे डोंट डिजर्व इट। और आप मेरे भैया हैं, ऐसे लोगों को एंटरटेन मत करिए। अच्छा ठीक है, अब मामला सेटल हो गया, अब तुम मत गुस्सा होना ठीक है। क्या हुआ दिशा दीदी? सुहाना मुझे हमेशा से ये बात खाई जा रही थी कि इलेश तुम्हारे साथ काम करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहा है, लेकिन आज मैं ये बात जान गई हूं कि तुम रिलेशंस को कितनी वैल्यू देती हो। थैंक यू सुहाना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। दिशा दीदी यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज, ये सब सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं आप। आई लव यू। चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, घर में एंगेजमेंट है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी मैं भी रेडी हो रही। शु आज मैं बहुत खुश हूं। अरे अरे वहां ऊपर का चढ़ो भाई, नीचे उतरो। और ये रास्ते में किसने फेंक रखे? उठाओ उसे, इसे भी उठाओ यहाँ से, और ये भी उठाओ यहाँ से। भाई घर एकदम से बढ़िया सजा के रखना, समझे? हमारी संजना बेबी की जो है मंगनी हो रही है। हाँ हाँ, अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो अभी तक? तुम्हें कहा ना जाओ जल्दी से, जल्दी जाओ। और ये धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हो भाई आप लोग? एक घंटे के अंदर अंदर ये सारा घर सज जाना चाहिए, वरना शांति मासी को बुला के ना सबको कबीर के दोहे सुनवा दूंगा। भाई क्या बात, बहुत बड़े। हाँ 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 भाई साहब। हाँ अरे तुम तो वही हो ना जो होली में मिठाई वाले के साथ आए थे। ओ अच्छा अच्छा, मिठाई लेके आगे। अरे गोपी भाई पहचान लिया मतलब है? क्या चकाचक सजवाया यार घर को। हाँ भाई आज वाजपेयी साहब को मैं अपने हाथों से मुंह मीठा कराऊ। नजर नहीं आ रहे कहां है हमारे समधी जी। समधी जी, अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या गोपी काका? How dare you enter my house? बेटा get out! गेट आउट? अरे आज के दिन ऐसे कैसे गेट आउट हो जाएंगे भाई? आज तो मेरे शट अप, जस्ट शट अप। गोपी काका ये आदमी पागल है, इसे बाहर निकालिए। हाँ मुझे भी ये पागल दिखता है, चल रहे फूट यहां से, चल यहां से निकल। धीरे अपने गले का सुर थोड़ा नीचे रखो गोपी काका। गोपी अभी तुझे जब पता चलेगा कि मैं कौन हूं तो मैं यहां यहां सोफे पे बैठूंगा फैल के, और तू मेरे पैर दबाएगा सिकुड़ के। चल जा अपने मालिक को बुला वाजपेयी साहब, जा जा चल 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 चल। I said get out of my house! अबे ये चुटकी बजा के किसको दिखा रहा है? अरे देख क्या रो, पकड़ो इसे और बाहर ले जाओ। अरे रुको यहां छोड़ो, जिस लड़के की ये मंगनी हो रही है ना उसका बाप हूं मैं। अब निकलो यहां से गोपी काका, निकालिए इसे यहां से। अरे गाड़ी सर, अरे पागल हो गए के बाहर फेंको इसे। रुको सुनो संजना, संजना तुम मुझसे मेरा अधिकार मत छीनो। संजना संजना आज खुशी का दिन है। अरे अरे मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा था संजना। अरे छोड़ो ना यार, अबे संजना हो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।